सबसे पहले बात करेंगे रावत वर्सेस रावत की। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गैरसैंण को लेकर बयान किया दिया कि सियासत में भूचाल आ गया। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की उनके बयान की काट करने में अब एक जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। ऐसे में हरक भी गुस्से से लाल हो गए हैं और नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। क्या क्या कहा हरक सिंह रावत ने, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अब इसे सियासत का नया अंदाज कहें या हरक की साफ कोई, लेकिन इन दिनों हरक जिस अवतार में हैं, वो दिग्गजों को पसीना छुड़ा रहे हैं। गैरसैंण पर हरक ने कड़वा सच कड़े शब्दों में क्या कहा कि सीएम इसे नेताओं के गले की खाज बता बैठे और किशोर साहब तो कार्रवाई का चाबुक हाथ में लिए खड़े हो गए। बस फिर क्या था, जितने तीखे आरोप उतने ही तीखे अंदाज में पलटवार भी होने लगा। हरक ने न सिर्फ सियासतदानों को आईना दिखा दिया बल्कि अपनी ही सरकार की पूरी बखिया उधेड़ दी। मुख्यमंत्री के आवास पे 18 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 18 करोड़ तो केवल मुख्यमंत्री आवास देहरादून में बना है, राजभवन पे इससे अधिक खर्च हुआ है, पूरा सचिवालय पे पैसा खर्च हो गया, पूरे निदेशालय बन गए। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो मनसा हमारी थी, और जो देखिए अगर मेरी बात कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की बात की वो नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता से पहले मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं। वहीं कल तक हरक पर कार्रवाई का चाबुक चलाने का दम भरने वाले किशोर आज बैकफुट पर आ गए, क्योंकि हरक ने तो साफ कह दिया कि पार्टी से निकालना है तो निकाल दो, लिहाजा किशोर ने भी मामला सीएम की शिकायत पर अटका दिया। तो सीएम साहब इसे हरक के गले की खाज बता रहे हैं। निकाल दो बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। मैं कोई किसी की दया पे राजनीति करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं दो लोग जो है मुंह में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ कि आपने 18 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास क्यों बनाया। मैं उनके बयान को देखूंगा, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि वो हमारे एक तो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, दूसरा हमारे सीएलपी के मेंबर हैं। उस तरफ से जब भी कोई बात आएगी तो फिर मैं उसका संज्ञान लूंगा। खाता न वही जो हरीश रावत करे वहाँ वही सही, और मैं जो कर रहा हूँ वो सबको दिखाई दे रहा है। बाकी जो राजनीति कर रहे हैं वो सब मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आखिर आपका चैनल भी कैसे चलेगा। आप राजनीति और बेचारे उन लोगों का भी गला कैसे साफ होगा। कांग्रेस में चल रही इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी पूरा लुत्फ ले रही है। हरक सिंह जी ने कहा है कि गैरसैंण में राजधानी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये कड़वी सच्चाई है। और हरीश रावत केवल और केवल राजधानी के नाम पर, गैरसैंण के नाम पर उछल कूद करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर हरक के तेवर गर्म है, जिसमें बीजेपी वाले तो खूब हाथ सेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों के से पसीने छूट रहे हैं। चुनावी साल का ऐसा आगाज होगा शायद हाईकमान ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। हरक सिंह रावत इन दिनों गुस्से में है, गैरसैंण राजधानी को लेकर जो बात कही वो सच्ची कही, इसलिए कईयों को कड़वी भी लगी और हरक सिंह रावत को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। कई तो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हरक सिंह रावत कहते हैं कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे, क्योंकि ये हैं हरक जिनको नहीं पड़ता है किसी से भी फर्क। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज मोहर, देहरादून समाचार प्लस। तो बड़ा सवाल खड़ा किया हरक सिंह रावत ने, जो कि सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। साथ ही ये भी कह दिया है कि निकालना है तो निकाल दें, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो किसी की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार देहरादून से जुड़ गए हैं लाइव। पंकज, इन सवालों के मायने क्या निकाले जाए? पहले गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं हरक सिंह रावत, जो कि उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर 18 करोड़ खर्च किए गए, सचिवालय पर पैसा बर्बाद किया गया सरकार की तरफ से। इन तमाम सवालों के मायने क्या है? क्या सच्चे सवाल हरक सिंह रावत की तरफ से उठाए जा रहे हैं या इसके पीछे कुछ सियासी वजह आप देखते हैं? देखिए, सियासी वजह भी हो सकती है गायत्री, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सवाल है गैरसैंण राजधानी को लेकर,
वो सच में मौजू है जो हरक सिंह रावत उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार इतनी संजीदा है गैरसैंण को लेकर तो घोषित कर दे गैरसैंण को राजधानी, क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए केंद्र देगी तब गैरसैंण को राजधानी घोषित की जाएगी। कुल मिलाकर इसको राजनीतिक जलेबी बनाई जा रही है पूरी तरीके से, हथकंडा है किस तरीके से जनता की, पहाड़ की जनता को जो भावनाओं का प्रतीक गैरसैंण कहा जाता है, लेकिन उसकी भावनाओं की कदर कितनी की जा रही है वो तो आप भी समझ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत जो बात कह रहे हैं उसमें गलत कहीं भी नजर नहीं आता, भले ही अपनी जान बचाने के लिए अपनी राजनीति। सवाल हरक सिंह रावत उठा रहे हैं तो क्या वाकई सरकार गैरसैंण के मसले को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है लोगों को? देखिए अगर देखा जाए तो अभी तक तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि बातें बहुत हो गई गैरसैंण को लेकर, वहां पे सत्र भी बहुत हो गए, लेकिन असली मांग जो है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है। किसी ने ये नहीं कहा था कि विधानसभा सत्र वहां चलवा दीजिए, लोगों और जितने भी आंदोलनकारी थे उनकी मांग थी कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए, उसका तो अता पता आज तक नहीं है। कोई अस्थाई बोल रहा है, कोई ग्रीष्मकालीन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जो मांग है, जो आंदोलनकारियों की मांग रही है हमेशा से, राज्य के आंदोलन की मांग रही है, वो गैरसैंण को राजधानी बनाने की है। उसको लेकर हरीश रावत भी उतने ही गंभीर नहीं है, किशोर उपाध्याय भी नहीं है, और जो तमाम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी बनाई जाएगी वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे नहीं लगता कि चुनावी साल में भी इसको एक बात कहना ही ज्यादा मौजू लगता है, क्योंकि आने वाले साल में मैदानी क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं वो भी ये देखेंगे कि गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे तो वो भी अपना राजनीतिक मुस्तकबिल अपना चयन करेंगे। पंकज एक बात और, जब सवाल दागा गया कि हरक सिंह रावत बिल्कुल सरकार से उलट, मुख्यमंत्री से उलट बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी सरकार पर एक सवाल था, मुख्यमंत्री ने कहा कि ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही, लेकिन हरक सिंह रावत तो उनके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी हरक सिंह रावत पर? देखिए अगर मौजूद सवाल तो उठाने का, ये हरीश रावत की भी एक बात हम कह दें, अगर उसमें हरीश रावत वन मैन आर्मी की तरह प्रदेश में काम हो रहा है जिस तरीके से एक कहा जाए, तो बाकी मंत्री भी साइडलाइन ही है। हरक सिंह रावत पहाड़ के अगर ठाकुर नेताओं में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, और गढ़वाल में उनकी एक बहुत फैन फॉलोइंग है, जिसको देखते हुए अब चाहे हरीश रावत ये कहें कि ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। राजनीति में सबका अपना मुंह होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, राजनीति में हर कोई अपनी तरीके से बयान देना चाहता भी है और देता भी है। तो उसी तरीके से अब 2017 है, 2017 चुनावी साल है, ऐसे में ऐसे बयान भी आएंगे, हरीश रावत उन्हें रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत के सवालों ने सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो